प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप, और आप देख रहे हैं पी न्यूज, खबरों का बादशाह। दर दर भटक रही रेप पीड़िता, नहीं मिल पा रहा न्याय, प्रशासन की चुप्पी पर खड़े हो रहे सैकड़ों सवाल। जनपद जौनपुर के थाना सुजानगंज के ग्राम सभा पढ़ुआ में दिनांक 31 जुलाई 2017 को शाम करीब 6:30 बजे के आसपास पीड़िता शौच के लिए अपने घर से पश्चिम की तरफ नहर के पास गई थी, जहां शौच के उपरांत वह घर जाने को तैयार ही हो रही थी कि पीछे से उसका पड़ोसी अबू बसर उर्फ मुन्ना आया और उसने पीड़िता का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मुंह दबाकर बगल में एक आड़ के स्थान में ले जाकर के रामपुरी चाकू के नोक पर पीड़िता के साथ बलात्कार किया। यही नहीं, जाते जाते उसने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर तुमने थाने पर इसकी शिकायत की तो तुम और तुम्हारे बच्चे को मैं जान से मार करके खत्म कर दूंगा। आरोपी के बलात्कार करके जाते समय ही कुछ दूर पर बैठे वहां बबलू, गुलाब दुबे व मुन्ना शुक्ला, संतोष दुबे आदि लोग पीड़िता के जोर जोर चिल्लाने पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोपी अबू बसर को भागते हुए देखा। इसके बाद उन लोगों ने पीड़िता को हिम्मत दिया और कहा कि थाने पर वो अपना मामला दर्ज कराएं। हालांकि पीड़िता थाने पर गई लेकिन थाने पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। उसके बाद पीड़िता ने न्यायालय के माध्यम से किसी तरह से मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस की लापरवाही इस कदर रही, आरोपी पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकी। पीड़िता ने न्याय के लिए SP से लेकर के तमाम आला अधिकारियों तक के दरवाजे खटखटाए लेकिन उसका परिणाम बिल्कुल बेअसर रहा। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया किंतु मेडिकल परीक्षण का अभी तक कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आ सका है। आज तक आरोपी खुलेआम घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई रही। पीड़िता आज भी न्याय के लिए अधिकारियों के कार्यालयों से लेकर नेताओं के दरवाजों तक लगातार दस्तक दे रही है लेकिन किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या इतना संगीन अपराध करने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं? सवाल यह उठता है, पुलिस ने कहीं ना कहीं से कोई समझौता किया है? पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा चुका है, इसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जबकि आज के समय में बलात्कार जैसी घटना बिल्कुल अक्षम्य अपराध के रूप में देखी जाती है और निश्चित ही इस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करनी चाहिए। सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस पर उठता है, सवाल तमाम आला अधिकारियों पर उठता है, क्या जिनके पास पति नहीं है, जिनके पास सुखदार लोग नहीं है, जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, जो महिला हैं, जिनके पास किसी तरह का कोई स्तंभ नहीं है, जिनके पास किसी तरह का कोई आधार नहीं है, क्या वो न्याय के अधिकारी नहीं है? पीड़िता के बयान के बाद एवं चार अन्य लोग जिन्होंने शपथ पत्र दिया है कि हाँ वो इस मामले के चश्मदीद गवाह रहे हैं, इस तरह की घटना हुई है, बावजूद उसके थाना अध्यक्ष सुजानगंज एवं पुलिस ने किसी तरह की ऐसी कार्यवाही उचित नहीं समझी जो पीड़िता को न्याय दिला सके, या ऐसा कह लें कि थाने की पुलिस ने लेन देन करके समझौता कर लिया है, बिल्कुल इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और घटना से सीधा सीधा स्पष्ट है कि पुलिस की इसमें मिलीजुली भूमिका रही है। अगर मिलीजुली भूमिका पुलिस की ना होती तो निश्चित तौर पर पीड़िता को न्याय मिल चुका होता। देश एवं दुनिया की ताजा तरीन घटनाओं की जानकारी के लिए देखते रहें पी न्यूज, खबरों का बादशाह।